कर्नाटक में एक हफ्ते के इंतजार के बाद आखिरकार मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। इस बार 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, एक लिंगायत, एक वोकालिग्गा और एक दलित है। लिंगायत नेता लक्ष्मण सावदी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। लक्ष्मण सावदी विधानसभा का चुनाव हार गए थे। सावदी ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के। 2012 में सावदी विधानसभा में पोर्न क्लिप देखते पाए गए थे। विवाद बढ़ने पर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सावदी को ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो भी दिया गया है। लक्ष्मण सावदी को मंत्री बनाने का बीजेपी विधायक और सीएम के सहयोगी एमपी रेणुकाचार्य ने विरोध किया था। रेणुकाचार्य ने कहा था कि उन्हें चुनाव हारने के बावजूद मंत्री के रूप में शामिल करने की क्या आवश्यकता थी। वहीं लक्ष्मण सावदी ने डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि मैं पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। पार्टी को मजबूत करेंगे, गवर्नमेंट को अच्छा नाम लेंगे, कुछ ना कुछ जवाबदारी रखा है ना मेरे पास, वो पूर्ण करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। दूसरे डिप्टी सीएम डॉक्टर अश्वत नारायण हैं। नारायण को उच्च शिक्षा और सूचना तकनीक विभाग दिया गया है। तीसरे उप मुख्यमंत्री दलित नेता गोविंद करजोल हैं। करजोल को समाज कल्याण और पीडब्ल्यूडी विभाग दिए गए हैं। प्रदेश में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रिजवान अरशद ने कहा कि अब तो साफ हो गया कि येदियुरप्पा सिर्फ एक कठपुतली है, संघ और दिल्ली के हाथों की, एक रबर स्टैंप और कुछ नहीं। ये कर्नाटक जैसे वाइब्रेंट राज्य के लिए अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस नेता इवान डिसूजा ने लगाए। दिस इज अ फाइट बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी। बीजेपी इज आल्सो हैविंग सैटिस्फाइड ग्रुप, अनसैटिस्फाइड ग्रुप, बीजेपी केजीपी ग्रुप, देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स पुटिंग टुगेदर, दे आर हैविंग ए गवर्नमेंट इन कर्नाटक। सो दिस गवर्नमेंट इज नॉट प्रो पीपल, दिस इज ए गवर्नमेंट विच इज अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया है। कर्नाटक में बड़ा राज है साउथ का, और वहां पे येदियुरप्पा जी ने अपने 3 उप मुख्यमंत्री बनाए, मिलकर सब काम करेंगे, कर्नाटक की सेवा करेंगे। माना जा रहा है कि मंत्री पद बांटने और 3 उप मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी के अंदर ही विरोध हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने पार्टी में किसी भी मतभेद से इनकार किया है। We are all going to support Nalin Kumar ji and it is able leadership. Party will grow and we are going to strengthen our nation for coming days. बीजेपी ने 3 डिप्टी सीएम बनाकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन लक्ष्मण सावदी जैसे नेता को डिप्टी सीएम बनाने पर बीजेपी चौतरफा घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।